ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आती है उसको भी इंट्रारूमिनली डालने के लिए इंट्रारूमिनल दवा के रूप में भी उपयोग में लेते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, टिम्पेनी की कंडीशन में रूमन को पंचर करके लगभग 20 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन रूमन के अंदर डाल दी जाती है, जिसकी वजह से उसका जो आफरा है वो तुरंत कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए दोस्तों, जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है उसकी वजह से जो गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है वो भी खत्म हो जाते हैं। दूसरा, ये ऑयली बेस होती है, ऑयली बेस होने की वजह से उसकी जो गैस है वो पास हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आफरे से तुरंत रिलीफ मिल जाता है।